To watch this video in English, click on the I button given above. Hello, Namaste, Assalamu Alaikum, Sat Sri Akal. क्या आपने कभी सोचा है ये जो Google, Facebook और Twitter इन जैसी companies हमें free में या मुफ्त में अपनी services या सेवाएं क्यों देती हैं? ऐसी दुनिया में जहाँ पे आपका सब्जी वाला भी आपको फ्री में धनिया नहीं देता, ये कंपनीज हमें फ्री में सर्विसेज दे रही हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? ये वीडियो देखते रहिए और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये है वो कंपनीज जो आपको फ्री सेवाएं देती हैं, और ये है आप। जब आप इन कंपनीज की फ्री सेवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये कंपनीज कुछ और ही कर रही होती हैं। ये कंपनीज एडवर्टाइजर्स या दूसरी कंपनीज के साथ टाइप करती हैं जो इन्हें पैसे देते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स इनके पोर्टल पर डाल सके। तो जब आप खुश हो रहे होते हैं कि आप कस्टमर हैं, आप राजा हैं, तो गूगल जैसी कंपनीज को पैसा मिलता है, एडवर्टाइजर्स को अपने प्रोडक्ट इनके पोर्टल पर डालने को मिलता है, और आप खुश होते हैं कि आप इनके यूज़र हैं, बट असल में आप एक प्रोडक्ट हैं। इनका ये तरीका गलत नहीं है, बल्कि हमारे इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छा है। बट कुछ सालों से गूगल बाकी बिजनेसेस में भी अपने पैर जमा रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है गूगल? क्या जो पैसा उसको एड बिजनेस से आ रहा है वो उसके लिए काफी नहीं है? मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों गूगल बाकी बिजनेसेस में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इन्फो भंडार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां हमें फ्री में, मुफ्त में अपनी सर्विसेज क्यों देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने व्यूज, ओपिनियंस, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ नागपाल, आप देख रहे हैं इन्फो भंडार, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।